दोस्तों आज हम जैक्सन मार्केट के माड़ी में हैं। ठीक है, यहाँ पे एक यातायात विंडो ऐसी है जिसकी रिपेयरिंग चल रही है। ठीक है, अभी हम लोगों ने एसी को स्टार्ट किया है तो हमारे एम्पेयर समथिंग लेकिन नज़र आ रहे होंगे 3.2 एम्पेयर है। अच्छा, ये रनिंग नहीं है, इसमें 5 लाइटें चल रही हैं प्लस एक फैन भी चल रहा है। ठीक है, ये दुकान का टोटल लोड दिखा रहा है इस वक्त और उसमें प्लस एसी भी चल रहा है तो और कंप्रेसर भी है। हम लोग गैस चार्ज कर रहे हैं, कंप्रेसर का लोड है विंडो एसी का और इसका अलग अलग है मोटर का जो कंडेंसर और फैन के लिए और कूलिंग कॉइल के लिए लगी होती है। अच्छा, इसमें बुनियादी तौर पर एक चीज़ समझने की हमेशा कोशिश करेंगे, ये इसका कंप्रेसर है, इसके साथ जो गोल्डन रंग का था वो था स्टिनर। ठीक है, ये हमारे जाहिद भाई हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। हमें जब भी काम की नीड होती है किसी भी किस्म की एसी की तो ख़राबी की तो हम इन्हीं से रुजू करते हैं और ये माशाल्लाह अच्छा बनाते हैं। ये स्टिनर है, ठीक है, उसी के साथ ब्लैक रंग का बड़ा सा जो है ये कंप्रेसर है। ठीक है, अच्छा ये देखें, ये 110 के एसी भी बनाते हैं, नहायत अच्छे बनाते हैं। इनकी अच्छी चीज़ ये है कि जो भी चीज़ होती है बताते हैं। ये देखें, ये 110 के एसी हैं, सही है, ये स्टेबलाइजर के थ्रू चलते हैं, 220 पे डायरेक्ट नहीं चलते। ठीक है, ये देखें, ये भी नए पोर्टेबल एसी हैं, सही। ये देखें, ये सब एसी इनके बनने के लिए आए हैं, लाइन में पड़े हुए, एक एक करके ये बनाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं वीडियो की तरफ। ठीक है, अच्छा जाहिद साहब की एक चीज़ अच्छी है, जो भी चीज़ होती है बता देते हैं कि चीज़ में आपके मसला है, बन सकती है नहीं बन सकती, अगर बन जाएगी तो ये प्रॉब्लम आएगी। तो ये इनकी मुझे नहायत अच्छी चीज़ लगी है जो मैंने कहा कि हम आपसे डिस्कस कर लें। अच्छा, तो हम अभी विंडो एसी की तरफ थे। विंडो एसी में दरअसल एक मोटर लगी होती है जिसकी शाफ्ट आगे पीछे से निकली होती है, जो बैक साइड की शाफ्ट निकली होती है। अच्छा, मोटर हमेशा कंप्रेसर की तरफ लगी होती है, कूलिंग कॉइल की तरफ नहीं होती, ये हमारे भाई हैं। ठीक है, अच्छा कूलिंग कॉइल की तरफ जो शाफ्ट निकली होती है उस पर एक अदद ब्लोर लगा दिया जाता है जैसे पिछली वीडियो में बताया है, और जो जहाँ पे मोटर होती है उसी साइड पे हम कंडेंसर की तरफ फ़ैन लगा देते हैं। ये कंडेंसर है जहाँ का मैं बता रहा हूँ, फ़ैन लगा देते हैं। ठीक है, अभी गर्म हवा आने शुरू हो गई क्योंकि जैसे जैसे हम इसमें गैस की बढ़ाते रहेंगे ऐसे ऐसे। ये चार्जिंग लाइट है जिस पर लीड लगी है। ठीक है, ये कैपिलरी थी, ये देखें, ये आइस आ रही है कैपिलरी के बाद। ठीक है, कूलिंग कॉइल की साइड पे, इसका मतलब है इसमें गैस कम है, कम से बढ़ा दिया गया, अभी जैसे जैसे हम गैस डाल रहे हैं वैसे वैसे वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब देखें रोशनी की है, हल्की बर्फ़ आ रही है, आपको वाइट रंग की नज़र आ रही होगी, ये सामने ही है बिल्कुल। ठीक है, अभी जैसी बर्फ़ ख़त्म होगी आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा क्योंकि जैसे गैस फील हो जाएगी पूरी कम्प्लीट हो जाएगी तो ये बर्फ़ ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। विंडो एसी, ये देखें बर्फ़ ख़त्म हो गई, वाइट रंग की जो थी सामने बिल्कुल। ठीक है, कैपिलरी के साथ बर्फ़ ख़त्म होना शुरू हो गई है, अंदाज़ा हो रहा होगा आपको। ये देखें, ये हल्की हल्की बर्फ़ को ख़त्म कर रहे हैं, जैसे जैसे गैस का प्रेशर डाल रहे हैं गैस कंप्लीट होती जा रही है वैसे वैसे बर्फ़ अभी ख़त्म हो जाएगी, अभी दोबारा आ गई, अभी ख़त्म हो जाएगी थोड़ी देर में वाइट रंग की। अच्छा है, डार्क हो गई, इसका मतलब है गैस फिल्ड होने वाली है, मतलब गैस की मकदार बढ़ा रहे हैं। आराम आराम से बढ़ाते हैं, एकदम कभी भी काम करने वाले जो होते हैं, ये जाहिद साहब ने बताया कि कभी भी एकदम से गैस ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें, उससे कंप्रेसर पे लोड भी नहीं पड़ता कंप्रेसर पे, और दूसरा ये कि आपका जो इक्विपमेंट्स है वो ख़राब नहीं होता। इसमें जो कंप्रेसर लगा हुआ है वो रोटरी टाइप लगा हुआ है, पिस्टन टाइप भी होते हैं कंप्रेसर, वो आगे चल के हम आपसे इस बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी कूलिंग शुरू कर देगा थोड़ी देर में। इसमें जो गैस डली है 22 नंबर डाइफ्लोरो मीथेन हैनोविन गैस है, अभी लेंगे। ये देखें, ये दुकान है, ये जैक्सन मार्केट में है, जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था जाहिद साहब के बारे में जिक्र किया था तो हमने बोला तो आपको थोड़ा इनका काम भी दिखाएं, नहायत अच्छा काम करते हैं, कोशिश इनकी यही होती है कि अच्छा काम करें। ये देखें, ये कूलिंग कॉइल है, ये देखें, ये इसका सिलेक्टर है। ठीक है, इससे ये इसका ऑटोमेटिक कंट्रोल करना होता है कि कितने बजे कूलिंग रखनी है, ये इसका सिलेक्टर है। अच्छा, इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखने की कोशिश करें और समझेंगे जो टेक्नीशियन बंदे भी हैं, कंप्रेसर की स्पीड एक ही रहती है, वो कम उबेश नहीं होती। अच्छा, ये जाहिद साहब का नंबर था, ये फैन है, इन्होंने अच्छा अल्ट्रेशन किए, ये आउटर का फैन है स्प्लिट यूनिट का
जो इस पर अल्ट्रेशन करके लगा दिया गया। जाहिद साहब का नंबर था, ये ऑक्सीजन का सिलेंडर है, अगर ख़त्म हो जाती है तो हम इस पर काम करते हैं। ये देखें, ये एम्पेयर मीटर, आप देखें एम्पेयर 4.6 पे चला गया, ठीक है, पहले 3.2 पे था, अब 4.6 पे चला गया। जैसे जैसे लोड बढ़ता जा रहा है ऐसे ऐसे एम्पेयर के इंक्रीज़ हो रहे हैं। जब एसी ख़राब हो जाता है उसमें गैस नहीं होती तो उसके एम्पेयर डाउन होते हैं, और जब गैस होती है तो एम्पेयर ज़्यादा होते हैं, एम्पेयर बढ़ना शुरू हो जाता है। ये इसका कंप्रेसर है जैसे पहले बताया था, ये लीड्स लगे हुए हैं। अच्छा, तो मैं बता रहा था कंप्रेसर की स्पीड एक ही रहती है, उसमें कमी बेसी नहीं होती। जो फैन होता है अंदर इंटरनली, जो फैन होता है उसकी स्पीड को कमी बेश होता है, ठीक है। विंडो एसी की बात कर रहा हूँ, आजकल इन्वर्टर आए हुए हैं, उसके बारे में भी हम आगे चल के आपसे डिस्कस करेंगे। इस वक्त हम विंडो एसी की बात कर रहे हैं। ये आला है रेड रंग का, और साथ उसके वाल है, तो उसको वक्ता फवक्ता हम चेक करते रहते हैं कि गैस कितनी जानी चाहिए एम्पेयर से, और गेज से चेक करते रहते हैं। ये देखें कूलिंग, जितनी गर्म हवा ये बाहर की तरफ फेंकेगा उतनी ही ठंडी हवा ये अंदर की तरफ फेंकेगा। बेसिकली गैस काम क्या करती है कि बाहर से गैस अंदर से गर्म हवा को जज्ब करके बाहर की तरफ फेंकती है, ठीक है। काफ़ी काम होते हैं इसके सिलसिले में भी हम आगे चल के आपसे बात करेंगे। ये देखें, ये पंच करेंगे इसको, क्योंकि गैस फुल चार्ज हो गई, जहाँ आपने देखा था आइस आई थी वो भी ख़त्म हो गई। ये पंचिंग टूल से इसको पंच करेंगे, फिर गैस बत्ती से इसको वेल्ड कर देंगे। नहायत ख़तरनाक काम होता है ये, पंच प्लास होता है। इसको इसको एक सेटिंग मिला के पंच कर दिया, अब वाल को बंद कर देंगे, सिलेंडर को भी साइड पर। ये देखिए, अब वाल को खोलेंगे, ठीक है, अब गैस बत्ती से ऑन करेंगे। अच्छा, इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखें, जब भी गैस ऑन करते हैं सबसे पहले हम बर्तन को ऑन करते हैं, फिर ऑक्सीजन को ऑन करते हैं। ये जो सेटिंग करते हैं ये ऑक्सीजन की करते हैं, ठीक है, ख्याल रखते हैं। कॉपर का पाइप है तो कॉपर की ही रॉड को हम इस्तेमाल करेंगे। ये चार्जिंग लाइट, यहाँ से गैस को चार्ज किया, काफ़ी उठी हुई है लीड, इसको बाद में हम बिठाएंगे भी चार्जिंग लीड से, ये इसको वेल्ड कर देंगे। जहाँ से लीकेज होता है सबसे पहले उसको बंद करते हैं, फिर गैस का प्रेशर देते हैं, फिर चेक करते हैं, फिर जहाँ से लीकेज होती है उसको बंद करने के बाद फिर वैक्यूम करते हैं, फिर गैस का प्रोसीजर करते हैं, फिर उसके बाद इसके बाद इसको थोड़ा सा हम, ये अच्छा है इन्होंने आइडिया लगाया, ना पानी का मसला होता है, ना इसका लीकेज भी चेक हो जाती है, और जब भी ज़रूरत हो तो पानी का भी ज़्यान नहीं होता और मटीरियल भी आपका ज़्यान नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गया, साइड पर करेंगे, उम्मीद है, ठीक है, साइड पर उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।